नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिसर्च मिस कंडक्ट द रिसर्च मिस कंडक्ट इज डिफाइंड एज द थ्री कार्डियनलर्च कंड फॉर एग्जाम्पल फेब्रिकेशन फॉल्सिफिकेशन एंड प्लेज दीज आर दिनरली ऑब्जर्व इन डिजाइनिंग कंडक्टिंग रिव्यूइंग रिसर्च और इन रिपोर्टिंग द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च ये तीनों स्टेप्स जो हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि रिसर्च की इन लेटेस्ट स्टेज के ऊपर होते हैं जब हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं फाइंडिंग्स को या जब हम रिव्यू कर रहे होते हैं अपनी रिसर्च को वहां पे हमें महसूस होता है कि फॉल्सिफिकेशन फैब्रिकेशन या प्लेजरिज्म के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं फॉल्सीफिकेशन क्या होती है फॉल्सिफिकेशन इन्वॉल्व रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिसर्च बाय चेंजिंग डाटा और द रिजल्ट्स बाय टेम्परिंग विद इक्विपमेंट रिसर्च मेथड्स और मटेरियल सो बेसिकली अपनी मर्जी से एक रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं उनको फॉल्सिफाई किया जाए ऑन इंटेंशनल परपज जिसमें अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसके गैजेट में कोई चेंज किया जा सकता है लेट से हम बीएमआई के साथ रिसर्च कर रहे हैं एंड वी वांटेड टू सी दैट पीपल विद हायर बीएमआई वुड बी हैविंग दीज प्रॉब्लम्स तो जो वेट मशीन है उसको स्केल से कोई टू के या थ्री के आगे करके जीरो की बजाय सेट कर दें और उसके ऊपर जब लोगों का वेट लें तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा ज्यादा आएगा और वी कैन फॉल्स द रिजल्ट थिंग्स लाइक दैट जैसे हम आ, अपनी मर्जी से किसी रिसर्च के रिजल्ट्स को एक्वायर करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हम अपने डिजाइन के अंदर कुछ चेंज कर देते हैं एंड वी सी बाय डूइंग दैट चेंज वी कैन एक्वायर द रिजल्ट्स विच आर ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट देन फैब्रिकेशन इनवॉल्व रिपोर्टिंग फॉल्स एंड मेड अप डाटा रिजल्ट और रिसर्च आउटपुट पॉलिसिकेशन में तो आप रिसर्च के अंदर जो है वो आ, कुछ टेक्निक ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से रिजल्ट जो है वो आपकी मर्जी के आ रहे हैं फैब्रिकेशन के अंदर आप बेसिकली खुद उस डाटा को चेंज करें आप उसके अंदर अपनी मर्जी से जो है वो इं, इंक्लूड करें हैं आउटपुट और उसकी वजह से आपका रिसर्च का डाटा जो है वो चेंज हो जाता है प्लेजरिज्म इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच आइडियाज वर्क एंड वर्ड विदाउट एक एंड प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथरशिप एंड प्लेजरिज्म इज इज समथिंग बीन सो मच ऑफ एन इंटरेस्ट टू बी टॉक क्योंकि अब प्लेजरिज्म जो है उसके डिफरेंट मोड्स आ, आ चुके हैं और प्लेजरिज्म को आइडेंटिफाई करने के डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ आ चुके हैं अभी हम इनकी फर्दर बात करेंगे प्लेजरिज्म किस किस तरह की हो सकती है और उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है बट एरर्स दैट आर अन इंटेंशनल और सिचुएशन दैट अराइज बिकॉज ऑफ डिफरेंट ओपिनियन नॉट फॉल्स अंडर साइंटिफिक मिसकंडक्ट एंड फ्रॉड्स समटाइम्स हम ऐसे ओपिनियंस होल्ड करते हैं एक रिसर्च को डिजाइन करते हुए जिससे हमारे रिसर्च के ऊपर इम्पैक्ट तो आ सकता है लेकिन हमारी इंटेंशन उसको फॉल्सिफाई करने की नहीं होती तो वो अनएथिकल प्रैक्टिस के अंदर नहीं इंक्लूड होते। रिसर्च डिफरेंट हमारे यहाँ ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इन गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना चाहिए जो हिपा की गाइडलाइंस हैं जो एपीए की गाइडलाइंस हैं ए की गाइडलाइंस हैं रिसर्चर्स को ये बताती हैं कि उनकी प्रैक्टिस जो है वो किस लिमिटेशन तक की जाएंगी तो वो एथिकल होंगी या वो अनएथिकल होंगी दीज गाइडलाइंस ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू रिपोर्ट एनी सच केसेस क्योंकि अगर आइडेंटिफाई हो जाता है कि कोई ऐसा केस है जिसके अंदर प्लेजरिज्म इन्वॉल्व है तो उसको रिपोर्ट कैसे करना है उसके मैथड्स भी यही गाइडलाइंस हमें बताती हैं मोस्ट केसेस ऑफ साइंटिफिक मिसकंडक्ट इन्वॉल्व इमेज और डेटा मोनिपुलेशन इमेज या डेटा मोनिपुलेशन समटाइम्स लोगों को शायद अवेयरनेस नहीं होती लेकिन वो उसको जब कर रहे होते हैं तो वो डायरेक्टली प्लेजरिज्म में फॉल कर रही होती है बे बेसिकली समाइम्स दे आर नॉट अवेयर ऑफ द डिस्टिंगशन कि वो जो काम कर रहे हैं वो इमेज मॉडिफिकेशन में आ रहा है या वो मीनिपुलेशन में आ रहा है जैसे आपने किसी ऑलरेडी पब्लिश रिसर्च में से कोई डाटा लिया और उसका कोई टेबल लिया या उसका आपने कोई इमेज लिया मॉडल लिया और उसको अपनी रिसर्च के अंदर पेस कर लिया विदाउट एक्नोलॉजिंग द सोर्स दैट ऑल्सो कम्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लेजरिज्म दिस यूज इमेज प्रोसेसिंग टूल्स विदाउट हैविंग अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग इन कॉन्सेप्ट अब लोगों को चूंकि अंदाजा नहीं होता वो कहते हैं ये खुद कैसे बनाएंगे इसमें कोई चीज डिजाइन में चेंज करनी पड़ेगी वो एज इट इस कहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं और वो उसको प्रॉपर uh, सोर्स नहीं देते हैं और उसकी वजह से उनका वो जो काम है वो प्लेजराइज वर्क में इंक्लूड हो जाता है समटाइम्स बिकॉज यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन हाउ एक्सैक्टली दिस कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वर्ड्स प्लेजरिज्मी इन्वॉल्व इन प्रैक्टिस ऑफ plagiarism,